पहले का सिटी थी वहां पर भी खेल दिया है। आईलैंड की साइड तरफ का कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चालू। और इस विकेट प्राप्त करने में सफल हुए थे गेंदबाज बिट्टू। इस बार में खेला वहां पर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। इस गेंद पर शानदार शॉट लगाया था कवर की दिशा की तरफ बल्लेबाज शिशुपाल ने। फिर से गली की तरफ खेला रहा पर गेंद जा रही बॉल लाइन के बाहर चारों रनों के लिए। लगातार दो गेंद में दो चौके कर दिए हैं बल्लेबाज शिशुपाल ने। स्कोर पर कर होता हुआ 16 रन एक विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर पर कर चुके। स्कोर इस दो चौके के कारण से कुल 16 रन बन चुके हैं। देखा जाए तो तीन गेंदों में 8 रन बन चुके हैं। तेज शॉट लगाना चाह रहे थे कवर की दिशा की तरफ लेकिन गेंद उनके बल्ले से काफी दूर रही। पावर प्ले का ये ओवर चल रहा है, तीसरा ओवर पावर प्ले का चल रहा है। इस ओवर के बाद मात्र एक ओवर और शेष बचेगा पावर प्ले का। चारों पर गेंद वहां पर फील्डर मौजूद है गेंद को फील्ड करने के लिए। रन लेना चाहते थे लेकिन फील्डर ने गेंद को तुरंत ही फील्ड किया। रन लेने की कोई भी संभावना नहीं। और इस बार खेल दिया स्टेट रन लगाया है लॉन्गर के फील्डर ने गेंद को आकर फील्ड किया। देखा जाए तो टारगेट की टीम ने इन पावर प्ले के ओवर में एक लॉन्ग ऑफ की दिशा की तरफ और लॉन्ग ऑफ की दिशा की तरफ दो फील्डर खड़ा करके रखा है। बाउंड्री लाइन के नजदीक है और इस ओवर की समाप्ति। अनुज हाथ खोल ले इधर अनुज भाई साथी क्या बोल देख रहे हैं लाइव में हम ही कर रहे हैं। हाँ नवादा स्पोर्ट। बस 16 ओवर खेलते ही इस गेम को पर दौड़ गए थे बल्लेबाज शिशुपाल और इस रन की मदद से स्कोर बरकरार खत्म हो जाएगा जल्दी है। और प्ले का ये बहुत टारगेट है लंबा लेकर आया था दूसरा ओवर लंबा टारगेट एक रसगुल्ला खाए थे अभी। और बॉलर ने शानदार शॉट लगाया वहां पर फील्डर मौजूद और इस तरह से आउट होकर रिपब्लिक की तरफ आ रहे हैं। मारिए आते हैं देखते हैं चेंज किया गया था ब्लेजर को लगाया गया था लेग साइड पर और वहां पर कैच कमा कर वापस आ रहे हैं। हम लोग कुछ खास कमाल नहीं कर पाया इसके मैच में। पहले गेंद पर शानदार चौका गया था उसके बाद उनको खेलना चाहिए था। अभी पावर प्ले का ये चौथा ओवर ही चल रहा है बाकी के बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं और पावर प्ले में ये दूसरा विकेट का पतन होता हुआ 18 रन के स्कोर पे चौथा ओवर प्रगति पे युवा क्रिकेट क्लब आगे बढ़ दिया। और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं बिट्टू।
बल्लेबाज मिट्टू, सामने कह रहे गेंदबाज पिट्टू का। बल्लेबाज पिट्टू पहला गेंद का सामना करेंगे पिट्टू का। आराम से वहीं पर खेल लिया और खेलते ही तीस गति से दौड़ कर रन पूरा किया। तीस गज के दायरे में बिल्कुल नजदीक खड़े हैं फील्डर, जब तक खेल खेल कर पाते हैं तब तक एक रन लेकर अपना छोर बदल लिया, इस तरह से अपना खाता भी खोल लिया पिट्टू ने। अच्छे से बाल स्ट्राइक पे और बाइट कर दिया गया हमारे अंपायर डॉलर के द्वारा। आज के अंपायर डॉलर और आजकल तो पोस्ट नहीं कर रही हो तुम, बिग प्रॉब्लम है। पहली सफेद बाल आ गई तो 15 रुपए वाली प्रॉब्लम है। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम मिनी पैक, इसका 10 गुना एलोवेरा आपके सफेद बालों की करी देखभाल और बाल देखिए सॉफ्ट एंड शाइनी। क्योंकि उनके दो प्रमुख बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक तेज शॉट खेला वहां पर लॉन्ग ऑन के दिशा की तरफ, वहां पर फील्डर मौजूद लोकारी तब तक एक रन लेकर अपना छोर बदल लिया शिशुपाल ने। अरे बहुत ही बड़ा शॉट खेला है पिट्टू ने, गेंद भेजा 6 रनों के लिए। दिशा हिल के बल्लेबाज इस गेंद पर पिट्टू ने कराया और पिट्टू ने इस गेंद को 7 रन छक्का कर दिया। इस तरह से 4 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर 3600 दो विकेट का नुकसान पे। 4 ओवर में समाप्त हुए कुल स्कोर 3600 दो विकेट के नुकसान पे। जो कि 11 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद, 7 रन की मदद से नन स्ट्राइक पर खड़े हैं। पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर बहुत ही अच्छा शॉट लगाया था, दर्शनीय शॉट लगाया था पिट्टू ने। इस बार मैदान की तरफ खेला, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए शानदार चौका। पहले ही गेंद पर चौका कर दिया बल्लेबाज शिशुपाल ने धीरे धीरे, जो कि अपना पहला ओवर लेकर आ रहा है और पारी का 5वां ओवर भी। पहले ही गेंद पर एक चौका कर दिया शिशुपाल, 15 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं और इस बार भी शॉट लगाना चाह रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए शिशुपाल। धीरे धीरे ऊंचे लग में कट के गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कराते हैं और स्टेडियम पे जब लीग पिछले सीजन में भी खेलने के लिए आए थे इस ग्राउंड पे, नवादा का ऐतिहासिक हरिश्चंद्र स्टेडियम का ग्राउंड। और इस बार वाइड करार दिया गया अंपायर के द्वारा। इस ओवर में अब तक 5 रन बन चुके हैं, दो गेंद पर 5 रन आ चुके हैं, बाकी के 4 गेंद पे देखना होगा ज्यादा से ज्यादा कितना रन बटोर पाते हैं। धन्यवाद शिशुपाल और पिट्टू से चले धीरे शिशुपाल के लिए। और फिर से बाइट, जी हाँ फिर से बाइट, ये इस ओवर में दूसरा बाइट करार दिया गया आज के अंपायर अमर के द्वारा। तो दो गेंदों में
कुल 6 रन बने होते हैं। युवा क्रिकेट क्लब चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल खर्च करे टारगेट की टीम। इस बार वापसी किया नीरज ने, अच्छी वापसी किया नीरज ने। खेलना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। किपिंग के लिए चंदन जिन्होंने आज 7.58 रन का स्कोर बनाया और उनका साथ दिया था निरंजन ने 43 रन बनाए थे नाबाद 43 रन। इस तरह से 160 रन का टारगेट किया है टारगेट की टीम ने और फिर से बाइक और काफी व्यस्त दिख रहे हैं इस ओवर में। और वहीं गेंदबाज जी की बात करें तो धीरज इस ओवर में 3 बाइक दे चुके हैं। हमारे गोरे भैया थोड़ा सा चिंतित है इस कभी गेंदबाजी देखकर एक्सपीरियंस गेंदबाज धीरज आपका पहला ही ओवर लेकर आए हैं और पारी अच्छी बल्लेबाजी से सुपाल के बल्ले से हो रही है आज के मैच में और इस तरह की बल्लेबाजी सख्त जरूरत भी हुआ क्रिकेट क्लब को। ओवर में 11 रन हो चुके हैं धीरज के पहले ओवर में। कबर की दिशा की तरफ खेला है वहां पर फील्डर मौजूद है और पूरी सीरीज को दो इनिंग के लिए जल्दी ही गेंद तरफ गया पकड़ मजबूत किया और इस तरह से चक्कर फिर बदल दिया शिशुपाल और बस टाइम पर आने देखते इस तरह ओवर की समाप्ति। इस ओवर में खुला 12 रन और 3 का खुला स्कोर होता हुआ 38 रन 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सफल नहीं हो पाए शिशुपाल कुल 120 रनों की और आवश्यकता यहाँ से क्लब को। फिर से कट लगाना चाह रहे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। डायरेक्ट यूट्यूब पे है बॉलिंग के लिए जा रहा ठीक लाइव बढ़िया जो बोलने के लिए जीतू आए और अपना पहला ओवर लेकर आए हैं जीतू।
इस बार लाजवाब शॉट खेला है, ओवरशिप लगाया है, गेंद जा रहे बॉलिंग के बाहर चार रनों के लिए शिशुपाल के बल्ले से स्कोर बढ़कर होता हुआ प्रगति पे शिशुपाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं के तौर पर आए थे। यहां से खेल दिया वहां पर गली की तरफ फिटर आए थे और तेज थ्रो कर दिया और ओवर थ्रो के कारण एक और रन एक्स्ट्रा रन बनाने में सफल हुए बल्लेबाज। दो रन का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर के द्वारा स्कोर बढ़कर होता हुआ 47 रन छठा ओवर प्रगति पे जीते का ये पहला ओवर। थोड़ा सा स्कोर 6 ओवर के समाप्त होते फुल स्कोर 48 रन 2 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर के समाप्त होते फुल स्कोर 48 रन। कुछ जानवर ग्राउंड पे आ जाने के कारण थोड़ा सा विलंब होता हुआ था। जो भी दर्शक है अगर जानवर उनके नजदीक से ग्राउंड के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसे बाहर ही रखेंगे। शिशुपाल के बीच धीरज के इस ओवर में पहले गेंद पर 2 रन में बटोर दिए हैं बल्लेबाज ने और इस तरह से कुल स्कोर 50 रन का आंकड़ा छू लिया है युवा क्रिकेट क्लब टीम ने। और गेम को देखा पर था जाने दिया कीपर के हाथों में अपना दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं नंबर ऊंचे करके एक्सपीरियंस गेंदबाज धीरज 5 नंबर की जर्सी पहन रहे हैं धीरज। काफी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति इस मैच को देखने के लिए अरे एकदम लेकिन गेंद थोड़ी सी कहीं से दूर रही थी कीपर के हाथों से एक चांस जरूर था पीछे स्लिप में खड़े फील्डर जो कि 30 गज के दायरे बिल्कुल पहुंच में खड़े हैं कैचिंग पोजीशन पर ना होकर वो फील्डिंग पोजीशन पे हैं बट बचाने की जरूरत दिख रही है टारगेट की टीम के बीच। वहीं पर खेल लिया है लेकिन कोई भी संभावना नहीं कदमों का सहारा दिया था बड़ा शॉट के लिए जा रहे थे शिशुपाल लेकिन काफी अच्छी गेंद वापसी कर रहे हैं इस ओवर में शिशुपाल। पिछला ओवर में थोड़ा सा महंगे साबित हुए थे लेकिन बात करें इस ओवर की तो अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है। पिछले ओवर में 3 एक्स्ट्रा रन दिए थे बाइट की मदद से कैच आउट हो सकते थे लेकिन कीपर के हाथों से गेंद चिपकता हुआ देखा जाए तो इस ओवर में 2 चांस बने थे आउट होने का लेकिन बहुत से दूर रहे गेंद से
इस तरह से शिशुपाल को जीवन दान मिलता है। शॉट लगाना चाह रहा था लेकिन सफल नहीं हुए। इस तरह से ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर ड्रिंक, 5 मिनट का ब्रेक। सात ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 52 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। युवा क्रिकेट क्लब को बागी बन गया। 7 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 52 रन, 2 विकेट। स्टेडियम प्रीमियर लीग को कराने में हमारे कुछ स्पॉन्सर्स ने काफी अहम भूमिका निभाया है और हर साल की तरह इस बार भी उनका सहयोग हमेशा से। फोकस रहने दीजिएगा, वो सब ठीक है भाई। आज थोड़ा दिक्कत हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। किसी का फोन है, कोई फोन नहीं उठाना है और यहाँ पे फोन नहीं चलेगी। फोन चलाइएगा पूरा गज आ जाएगा ये, ठीक है। अभी ठीक है ना? बहुत बढ़िया, वहाँ जा रहा है अभी। हाँ सॉलिड, वहाँ से अभी जब कर रहा है मीटिंग तब दिखा रहा है। बढ़िया है एकदम, आपका आवाज भी जा रहा है यहाँ पे जो बोलेगा सब। हम इसलिए हम कंट्रोल कर लिए, फिर उस टाइम से हम समझ गए थे। और सिर्फ फोन अगर ऑन कीजिएगा ना तो पूरा नेटवर्क पूरा जाम हो जाता है, ठीक है। और भाई आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, कल से सब ठीक कर देंगे। आज फर्स्ट डे है ना स्कोर बोर्ड के साथ, आज मैं सपोर्ट करो यार। सम्राट स्नैक्स, रेड चिली इंडिया चौक, भारत मेडिकल ग्रामीण नगर। जूम करते हैं ना, करना ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। जूम ज़्यादा कीजिएगा ना तो क्वालिटी घट जाएगा। हाँ सिंपल से रोटेट करना है, वो फिक्स जूम पे लाना है और इसको यहाँ पे ये लॉक रहा, लॉक जो है ना लॉक रहने। हाँ लॉक ही रहने दे रहा है। आठवां ओवर लेकर आए हैं जी दो। अरे उतना पीछे कहाँ पे आओ उधर। इस ओवर के ही गेंद में 1 रन बन चुका है और अब स्ट्राइक कर रहे हैं विक्टो। से वहीं पर खेल लिया है, रन लेने की कोई भी संभावना नहीं। बहुत अच्छी गेंदबाजी जीत के दोबारा कराई जा रही है और उतने ही अच्छे बल्लेबाज बिट्टू भी हैं। स्कोर बनकर 53 रन। चांस थोड़ा सा बन रहा था लेकिन कीपर वसूली तक के बीच में गई है, गिरी टप्पा खाई। इस तरह से एक बार फिर से भाग साथ मिलता हुआ बल्लेबाजों को देखा जाए तो दोनों ही बल्लेबाज को जीवन दान मिलता हुआ। स्कोर की बात करें तो 53 रन में 8वां ओवर प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पे
दूरा लेना चाहते थे शिशुपाल, लेकिन साथी बल्लेबाज बिट्टू ने मना किया। कोई भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं बिट्टू। एक शानदार छक्का चढ़कर अभी भी मौजूद है क्रीज पर। अभी शॉर्ट गेंद के कवर की दिशा की तरफ खेला, वहां पर फील्डर मौजूद और गेंद के नीचे पर चार रनों के लिए। टप्पा खाने के बाद गेंद उनके हाइट से काफी ऊपर से निकल गई है चार रनों के लिए। और आठ ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर 58 रन। दो विकेट के नुकसान पर 8 ओवर में 58 रन बन चुके हैं। जीत के लिए 102 रन 8 ओवरों में 102 रनों की आवश्यकता। 48 गेंद में 102 रन और शेष 8 विकेट बचे हुए हैं। धीरे फिर से आए गेंदबाजी के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 47 गेंद में 102 रनों की आवश्यकता। अगर शॉट नहीं लगते, अगर बाउंड्री नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो इस मैच को जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं टीम को। अब तो दोनों ही बल्लेबाज बाउंड्री के लिए ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं, इसलिए बल्ला भी तेज गति से चला रहे हैं। अब धीरज फिर से और इस बार में विकेट दिशा की तरफ खेला है फील्डर। वहां पर तेज गति से चलकर गेंद को फील्ड किया रिकू ने। शिशुपाल ने और गली के बीच के लिए चार रन के लिए। युवा क्रिकेट कलर को किसी भी तरह से रन बनाना चाहेंगे क्योंकि रनों की सख्त जरूरत। कवर की दिशा की तरफ खेला है इस बार, वहां फील्डर मौजूद है और गेंद जब तक फील्ड हो पाती तेज गति से दौड़ कर तुरंत प्राप्त कर लिए हैं दोनों ही बल्लेबाज। हो रहे शिशुपाल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, समय समय पर चौका भी बटोर रहे हैं और तेज गति से दौड़ कर एक रन को दो रन भी बना रहे हैं। राउंड ये काफी बड़ा डबल से भी काम चला रहे हैं दोनों बल्लेबाज। खेलना चाहते थे लेकिन बंद मुताबिक खेल नहीं पाए। रनआउट का चांस था लेकिन सफल नहीं हुए। दो रन लेना चाहते थे बिट्टू लेकिन शिशुपाल ने मना किया। 9वां ओवर प्रगति पे और धीरज का ये 30वां ओवर आता हुआ। 30वां ओवर लेकर आए अपने स्पेल का धीरज और स्ट्राइक पर बिट्टू। शॉट खेला वहां पर फील्डर थे वहां मौजूद था, इस तरह से विकेट का पतन होता हुआ शानदार कैच पकड़ा रिकू ने। 30वां विकेट का पतन होता हुआ युवा क्रिकेट क्लब बागी बट्टी आया था। छियासठ रन के स्कोर पर 30वां विकेट का पतन होता हुआ
शिशुपाल जो कि 44 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है, वहीं 9 रन बनाकर आउट हुए हैं अभी पिंटू। शिशुपाल 44 रन बनाकर स्ट्राइक पर है और इसमें से धीरज को मिलने वाली है पहली सफलता। अरे इस विकेट का काफी बड़ा अहमियत है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। देख लिया रे, और ओवर की समाप्ति आराम से सिंगल आओ पीछे आओ। अच्छा सचिन, बहुत अच्छा। तक नहीं जाने दूर आ गए तो धाते हम चल जीते। कोई ना ठीक हो। आज तू यहाँ कहाँ लगी आउट कर।
और गेंदबाज अब हैट्रिक पर पहुंच चुके हैं, लगातार दो गेंदों में दो विकेट प्राप्त करने में सफल हुए गेंदबाज जीतू। और जानो कुछ आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और विकेटों के बीच अपना जान देकर जल्द ही वापस आ गए। अब हैट्रिक पे है गेंदबाज, अब काफी विकेट गिर चुके हैं। बात करें विकेट का तो छह विकेट गिर चुके हैं, देखना होगा कि हैट्रिक विकेट लेने में सफल हो पाता है कि नहीं जीतो। और इस तरह से हैट्रिक विकेट तो नहीं दे पाए। छोटू ने आपको देखना होगा कि ये मैच आगे बढ़ रहा है, टीम जीतती है या नहीं। काफी मुश्किल काम बचा हुआ बल्लेबाजों के हाथ में। लेकिन सफल रहे हैं इसमें, तो ओवर की समाप्ति कुछ खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर 73 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। आराम से वहीं पर खेल रहे थे, लेने की कोई भी संभावना नहीं। बल्लेबाजी के लिए आए हैं मोनू, बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर है मोनू। देखता हूँ क्या वो आज बड़े बड़े छक्के लगाते हैं या नहीं। वहां पर खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा की तरफ, फील्डर मौजूद है, फील्डर से कुछ कदम आगे गेंद टपकाई नहीं तो वो आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे होंगे। बड़े शॉट चाहिए, बड़े रन चाहिए, इसके लिए आपको रिस्क लेना होगा और चौके छक्के लगाने होंगे, तब जाकर आप ये मैच जीत सकते हैं। स्ट्राइक पर बोलो स्ट्राइक पर छेदो मयूर गेंदबाजी के लिए
70 रन 7 विकेट 12 ओवर पर बन गए। और इस बार फिर से एक रन लेने में सफल हुए। धन्यवाद। छोटू और मोनू की जोड़ी उन्हें दी गई थी आज। छोटू फिर से स्ट्राइक पे। कवर की दिशा की तरफ खेला रहा है फील्डर मौजूद को फिट किया और इस ओवर कहां तो होता हुआ 12 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर 72 है। 12 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर 72 है। 7 विकेट के नुकसान पे समाप्ति के कुल स्कोर 72 रन। अट्ठासी रनों की और आवश्यकता 24 गेंदों में आगे के बचे 23 गेंदों में 88 रनों की आवश्यकता काफी मुश्किल था। दर्शकों की संख्या की बात करें तो काफी संख्या में आज दर्शक मौजूद है। सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करना चाहता हूँ। आज का मैच टारगेट क्रिकेट क्लब नवादा और युवा क्रिकेट क्लब बागी पकड़िया के बीच खेला जा रहा है। टारगेट की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 160 रनों का स्कोर करा दिया। वही बागी पकड़िया की टीम 72 रन बनाकर टीवी खेल रहे हैं 13वां ओवर प्रगति पे। और इस तरह से एक चौका आता हुआ कवर की दिशा की तरफ तो स्कोर बढ़कर 76 रन होता है। दोनों ही अनुभवी अंपायर डॉलर भाई की बात करें तो लगभग 300 मैचों का उन्हें अंपायरिंग का अनुभव। एक कैच होने की संभावना थी लेकिन थोड़ी से पीछे रह गए। टप्पा गेंद उठाकर बाउंड्री बाहर जा रहे गेंद 4 रनों के लिए कौन आ रहे हैं देखा जाए तो इस ओवर में 2 चौके आ चुके हैं अब तक। और बोल्ड हुए दोनों बोल्ड हुए
खेल गई बॉल लाइन के बाहर चार पीछे से बनाता हुआ थोड़ी सी कौन सी दूर देखा जाए तो ये मैच काफी एक तरफा होता हुआ कुछ खास नहीं बचा हुआ इस मैच में भारत की टीम जीत के तरफ अग्रसर धीरे धीरे चौकवा पर प्रगति कर आठ विकेट गिर चुके हैं युवा क्रिकेट क्लब के स्कोर 88 रन वहां पर फिर से स्पीड होने के कारण स्वीपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रन हो गए दर्शकों का दिल जीता अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से इस बार फिर से उसी दिशा की तरफ आगे बढ़कर खेला था फील्डर मौजूद है और किसी टीम ने अपना छोर बदल लिया बल्लेबाज ने ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर 94 रन 8 विकेट के नुकसान पे युवा क्रिकेट क्लब बागीपत बिहार मात्र 2 ओवर का गेम और बचा हुआ है जीत के लिए 66 रन चाहिए 2 ओवरों में 66 रनों की आवश्यकता 2 विकेट भी बचे हुए हैं हाथ में क्या 66 रन ये बना पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज या नहीं बना पाते हैं देखना ना भूले गेंद खेलना चाहते थे कहीं और लेकिन गेंद कहीं और गई और इस तरह से 11 गेंद शेष बचे हुए हैं इस पारी के जो भी महिला जा रही है तेज कदम के साथ जाएंगे क्रिकेट हो रहा है आपको कुछ समझ नहीं आता बीच में आ जाते हैं आप लोग और इस बार वहां पर फील्डर मौजूद और कैच आउट हुए बड़ा विकेट का पतन होता हुआ रूल को मिलने वाली असफलता मैदान पर आपको दिख रही है राजदीप आए हैं बल्लेबाजी के लिए क्या राजदीप को यह मैच अपनी टीम को जिता पाते हैं या नहीं देखना बाकी राजदीप भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ी मैच काफी पीछे आए हैं बल्लेबाजी के लिए आज सारे बल्लेबाजों ने निराश किया बागी बल्लिया के सारे बल्लेबाजों ने कुछ खास कमाल नहीं कर पाया आज पहुंच चुकी है बागी बत्तिया की टीम वहीं पर खेल दिया रहा लेकिन कोई भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं
अपने साथी बल्लेबाज को पूरी भरोसा दे रहे हैं कि वो बड़े बड़े शॉट के लिए जाएंगे, उनमें क्षमता है और कुछ जरूर दर्शकों का मनोरंजन करना चाहेंगे छोटे छक्के की मदद से। फिर से खेल दिया है पर इस एक रन से अपना खाता खोल दिया राजदीप ने। छोर बदल दिया राजदीप, पूरी तरह से निराश हो गया कि युवा क्रिकेट क्लब के कप्तान अपने बल्लेबाज और खिलाड़ियों के प्रदर्शन से काफी उम्मीद थी पूरे अपने टीम से, लेकिन आज से सफल नहीं हो पाए पूरी तरह से। इस वक्त फिर से एक रन लेकर फिर से छोर बदले गए बल्लेबाज, ओवर की समाप्ति 15 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 96 रन 9 विकेट के नुकसान पे, 15 ओवर की समाप्ति पे कुल स्कोर 96 रन 9 विकेट के नुकसान पे। वहीं पर खेल दिया है, कोई भी रन नहीं, काफी यह मैच होता हुआ दर्शकों की एक उम्मीद थी कि मैच काफी रोमांचक हो, लेकिन कुछ खास मैच आज करने में सफल नहीं हो पाए। खास करके बात करें तो युवा क्रिकेट क्लब माजी बंगली एंड टीम बिल्कुल पूरी तरह से निराश किया है दर्शकों को, एक तरफा मैच हार रहे हैं माजी बंगली एंड टीम। और अंतिम ओवर 16 ओवर प्रगति पे और इस ओवर को लेकर आए हैं शशि, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और सभी गेंदबाजों ने विकेट लटके अंतिम ओवर प्रगति पे कवर की दिशा की तरफ फिर से खेल दिया और इस तरह से चला दिया राजदीप ने। गेंद जा रही है पीछे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इस तरह से आज की विजेता टीम टारगेट क्रिकेट क्लब नवादा टारगेट टीम आज के मैच के विजेता घोषित होते हुए और टारगेट की टीम का सफर आज भी बना रहेगा और बागी बंदिया की टीम का सफर यहीं पर समाप्त होता हुआ नॉकआउट का मुकाबला खेला जाता है।
और गोरे ब्रदर्स एंड ज्वेलर्स गोरे भैया आज के मैन ऑफ द मैच का प्राइज गोरे भैया आज देंगे। वो भी आ रहे हैं। आज का मैच टारगेट टीम और बाकी पंडिया के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टारगेट की टीम ने कुल 160 रन का स्कोर खड़ा किया, वहीं जवाब में 98-102 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई बाकी पंडिया की टीम। कप्तान प्रिंस यहां पर मौजूद है, जोरदार ताली बजने चाहिए इनके लिए, इनके टीम के प्रदर्शन के लिए। बहुत ही शानदार शुरुआत की है, 1500 शुरुआत किया इस टूर्नामेंट में। देखा जाए तो प्रिंस की टीम टारगेट क्रिकेट क्लब बहुत दिन के बाद इस ग्राउंड पे नजर आई है। खैर जब भी आई है जीत कर गई है। और हमारे आज के कप्तान प्रिंस से मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप क्या सोचकर ग्राउंड पर आप लोग गए थे, क्या रणनीति थी, क्योंकि अब मैच खत्म हो चुका है, आप लोगों ने क्या रणनीति बनाकर आज का मैच खेला, और खास करके बल्लेबाजों के लिए भी आप बताएंगे कि उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी किया। सबसे पहले तो मैं यहाँ स्टेडियम प्रीमियर लीग के संस्थापक और आयोजक को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जितने अच्छा टूर्नामेंट कराया, हर एक वर्ष करा रहे हैं, और साथ साथ दर्शकों को भी अभिनंदन स्वीकार करता हूँ कि हमारी टीम को अच्छा सपोर्ट और अगेंस्ट टीम को भी अच्छा सपोर्ट करते हैं। और बोलना चाहते हैं कि जो मैच है हम लोग ऑलराउंड परफॉर्मेंस किए हैं और इसके कारण मैच जीते हैं और सब कुछ अच्छा रहा। आपका सब कुछ अच्छा प्रदर्शन किया प्रिंस ने, इन्होंने बताया, और खास करके गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में दोनों में इनकी टीम ने प्रदर्शन किया, इनके लिए मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और अगले मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ।
फिर अगले मैच में हम लोग मिलेंगे और हमारे आज के मैन ऑफ द मैच देने के लिए गोरे एंड ब्रदर्स ज्वेलर्स के फाउंडर गोरे भैया मौजूद हैं और आज के मैन ऑफ द मैच है जीतू। आज के मैन ऑफ द मैच जीतू 8 रन बनाया और इन्होंने क्या शानदार 4 विकेट प्राप्त किए। जीतू 8 रन बनाए और 4 विकेट का और मैन ऑफ द मैच का प्राइज एक चांदी का सिक्का हमारे तरफ से दिया जाता है। जो चांदी का सिक्का आप देख रहे होंगे तो गोरे भैया हमेशा इन्होंने हमेशा मदद किया है। इनके लिए गोरे भैया के लिए भी एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमेशा बड़े भाई की तरह हम लोगों का साथ रहे हैं। आज के मैन ऑफ द मैच आपके सामने जीतू। जीतू ने बहुत अच्छी गेंदबाजी और फील्डिंग भी बहुत अच्छा किया। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आप जब गेंदबाजी के लिए गए थे आपके पास एक सुरक्षित काफी अच्छा स्कोर था 160 रन बन चुके थे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने काफी दिलो जान लगा के गेंदबाजी कराई। आप जब भी आपके ऊपर काफी दबाव भी था कि इस ग्राउंड पे ये मैच जीता जाए, आपके कप्तान ने आप पर भरोसा जताया, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हरिचंद्र स्टेडियम में जो टूर्नामेंट करा रहे हैं सारे लोगों को अभिनंदन करते हैं कि आसपास के जिला में तो काफ़ी टूर्नामेंट होता है बट एक हमारे नालंदा के बगल में नवादा डिस्ट्रिक्ट में भी एक टूर्नामेंट ऐसा होता है जहाँ के खेलने के लिए लोग कहते हैं कि नहीं भाई पक्का पे ही मैच है टेनिस बॉल का, हमारे खेलना चाहिए। और हमारे जो कप्तान थे वो सीधा बोलना था कि भाई मैच को जो भी हो उसको छोड़ना नहीं है क्योंकि मैच हम लोग बहुत ऐसा ऐसा मैच आ रहे हैं कि मत पूछिए, इसीलिए हम लोग मैच को छोड़ना नहीं चाहते। क्या बहुत बहुत धन्यवाद जीतू। और इस तरह से आज के मैच के विजेता टारगेट क्रिकेट क्लब और कल जी हाँ फर्स्ट जनवरी के कारण कल ब्रेक लिया गया, इसलिए आप सभी दर्शक परसों जरूर से जरूर ठीक 10 बजे आएंगे। आप सभी दर्शकों का मेरे तरफ से अभिनंदन और शुक्रिया धन्यवाद। और परसों का मैच नहर पर बनाम औरंगाबाद रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद। नहर पर की टीम नवादा की टीम है और औरंगाबाद की टीम भी पहुंचने वाली है परसों, इसलिए आप सभी दर्शक जरूर से जरूर आए और एक रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद नहर पर और